क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि ग्रेविटेशन लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि महत्वता क्या है, ग्रेविटेशन लॉ की महत्वता पूछ रहा है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बेटा यही लिखते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सारे ऑब्जेक्ट्स पर मतलब इस दुनिया में जितने मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, बस यही है इसकी इंपॉर्टेंस। वैसे तो और भी हैं, कुछ पॉइंट्स लिखाए जाते हैं, लेकिन तुम 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बस इतना ही लिख लो, है ना। ग्रेविटेशन लॉ की जो स्टेटमेंट है वही इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या लिखोगे, लिख लो आंसर, लिखो द फोर्स ऐसे लिखो, ऐसे लिखना द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ इज दैट, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना, फिर जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है। तो ये अच्छा, जब लोग हम लोग जैसे छोटी क्लास में होते हैं तो मैडम जो टीचर्स हैं फीमेल टीचर्स हैं वो पढ़ाती हैं, है ना। तो वो कैसे बताया करती थी हमें छोटी क्लास में कि बेटा यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर यहाँ से लिखने के बाद ये जो मैंने लिखा है ऐसे करना, तो थोड़ा उसी टाइप का हो गया। चलो कोई नहीं, हाँ तो कैसे लिखोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ इज दैट, फिर इसके बाद इज दैट ऑल द बॉडीज एग्जिस्ट, ऑल द बॉडीज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंस्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, among them, है ना। जितनी भी मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं उन दोनों के बीच में क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना, यही है। इज दैट द ऑल बॉडीज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम, अपने आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो करती है, एक्सपीरियंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मेरे पास कहाँ है, हाँ तो देरी के लिए माफी चाहूंगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है ना। तो बेटा सीधी सी बात है, ये लोग भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्सेलरेशन, फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है, तो सीधी सी बात है जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेट करती है, और जिस एक्सेलरेशन से बॉडी फ्री फॉल करती है उसी को एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहते हैं, है ना। लिख दो, लिखो, तुम नहीं लिखोगे मुझे लिखना पड़ेगा। आंसर क्या है, द एक्सेलरेशन बाय विच the body falls freely from some height without
considering now considering any other force like air friction और तुम्हारी अप्लाइड फोर्स हो गई, अप्लाइड फोर्स विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर फोर्स अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल force of earth is known as acceleration due to gravity known as acceleration of free fall the acceleration by which the body falls freely from some height without considering any other force like air friction applied force other than the gravitational force of earth is known as the acceleration of free fall नहीं समझे होगे मुझे पता है देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा ओके जिस एक्सेलरेशन से द एक्सेलरेशन बाय विच जिस एक्सेलरेशन से द बॉडी फ्रीली फॉल्स फ्रॉम सम हाइट जिस एक्सेलरेशन से बॉडी किसी हाइट से फॉल की जाती है ना नीचे गिराई जाती है विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर फोर्स लाइक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स जब गिराई जाती है ना नीचे विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर फोर्स बिना किसी और फोर्स के कंसिडर किए हुए जैसे एयर फ्रिक्शन हो गया उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे अप्लाइड फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स केवल ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे ये वो एक्सेलरेशन होता है जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फॉल कराया जाता है और जिसमें हम केवल ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के किसी भी फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ओके बात आ गई समझ अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स मतलब केवल ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उस ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कहते हैं बताओ जैसे अर्थ है ये हमारी अर्थ है और ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है ना तो इस ऑब्जेक्ट पर भी तो फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ अरे किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर से छोड़ते तो नीचे आती नहीं आती तो किस फोर्स से आती है आती तो ग्रेविटेशन फोर्स से है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स भाई अर्थ क्या कर रही है खींच रही है अपनी तरफ तो ग्रेविटेशन फोर्स ही तो कहते हैं उसे लेकिन होती ग्रेविटेशन फोर्स है कहने का मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसे क्या कहते हैं अरे सीधी बात है वेट कहते हैं उसको यार वेट कहते हैं वेट भी तो एक तरह की फोर्स है और कौन सी फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स वेट वाली फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स को वेट वाली फोर्स कब कहते हैं जब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बाद बीच में बात हो रही है ना वेट क्या है ग्रेविटेशन फोर्स ही है लिख दो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट दैट्स इट
ओके थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो यार वीडियो को। देखो यार तुम लोगों अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछा करो, तुम लोग यार शेयर कर दिया करो बस वीडियोस को, है ना। देखो बेटा नाइन्थ से पढ़ाई का मज़ा आने लगता है, मतलब मज़ा आने में दिक्कत होती है लेकिन नाइन्थ से ही, देखो नाइन्थ से पहले वाली क्लासेस में, नाइन्थ से पहले वाली क्लासेस में या तो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया या फिर तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में दिमाग नहीं लगाया किसी ने, हाँ। और ये और इस बात को तुम सब समझ रहे होगे कि जब नाइन्थ में बच्चा आता है तो उसे थोड़ा सा कठिन लगने लगता है, वो सोचता है कि भाई ये क्या है। जब वो फिजिक्स पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है इससे पहले आठवीं क्लास तक। क्या होता है बच्चे का आठवीं क्लास तक, बच्चे केवल रट्टा मारते हैं, लेकिन नाइन्थ से बेटा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। नाइन्थ में आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, और समझनी पड़ेगी। इससे पहले या तो आपको समझाया नहीं गया या फिर आपने समझा नहीं। नाइन्थ वो नहीं है, नाइन्थ से आपको मेहनत करनी पड़ती है। और नाइन्थ से बहुत बच्चा दुखी हो जाता है नाइन्थ में आते कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा, तो कुछ बच्चे टेंशन भी ले लेते हैं, बट कोई नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। और बेटा अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से अगर पढ़ोगे और दिमाग लगाओगे तो अवश्य समझ में आएगा, है ना। तो क्योंकि बेटा ज़िंदगी में कोई साथ नहीं देता है, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई करिए। और नाइन्थ से अभी आपकी स्टार्टिंग है, नाइन्थ से अपना बेस अच्छा बना लो फिज़िक्स में, फिज़िक्स में हर सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में अच्छा बना लो। क्योंकि नाइन्थ से बेटा क्या होता है, जो एग्ज़ाम पेपर होता है या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपकी किताबों में से नहीं आते हैं, किताबों में से भी आते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप बिना समझे कर ही नहीं सकते। मतलब जो पहले एट तक हुआ करता था, रट्टा मार के लिख देते थे किताबों में ही, टीचर्स टिक लगा दिया करते थे और अब लिख लिया करते थे, वो चीज़ नहीं है ये। इसमें क्वेश्चन बदल के आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी चीज़ें, बताए सर। तो नाइन्थ से अपनी मेहनत करो। ओके थैंक यू।